हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे हैं और अपना अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं। आज मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करूंगी जो है छोटे परवल की करी। ओके, परवल की करी तो बनाते ही होंगे आप, मगर मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये हमारे साइड में इस तरीके से ज़्यादा करके मोस्ट प्रॉब्ली बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको लंबे परवल की जो सब्ज़ी है उसे मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है, अब आज छोटे परवल की सब्ज़ी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मैंने ऐसे छोटे छोटे परवल ले लिए हैं ऐसे, और चार पोटैटो ले लिया है। ये सब क्लीन ही है पोटैटो, तो मैं इसके जो स्किन है, इसके छिलके जो है वो मैं नहीं निकालूंगी, उसे मैं इस तरीके से दो दो कट कर लूंगी। मैं अभी इसे कैसे मैं इसे क्लीन करूंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो परवल है इसे मैं इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से ऐसे, बस इसका जो स्किन है इस तरीके से मैं पील कर लूंगी, ऐसे पूरी तरीके से पील कर लूंगी। अगर आपके पास इस तरीके का पीलर वगैरह हो तो आप ऐसे भी पील कर सकते हैं, मगर ऐसे पील करूंगी ना तो मैं वो ज़्यादा ज़्यादा निकल जाता है, मेरे को सिर्फ उसका हल्के हल्के से मैं उसे बस ऐसे ही खाली से खींच दूंगी। अच्छे बढ़िया तरीके से ये निकल गया, बस ऐसे ही मैं सारे परवल जो है उसे क्लीन कर लूंगी। पटेटोज जो है मैं इस तरीके से, देखिए ये जो एक पटेटो है उसे मैंने सिर्फ बीच से कट कर लिया है, ये शेप में थोड़ी ही पटेटोज लिए मैंने, बस ऐसे दो दो पीस करके आपको काट लेना है। जो परवल है, परवल सारे मैं इस तरीके से काट लूंगी, इसका हेड और टेल निकाल दिया है और इसको भी मैं ऐसे बीच में से कट कर लूंगी। ऐसे सारे हेड और टेल निकाल के बस ये शेप में कट कर लेंगे। ये सारे मैंने कट करके ले लिया है, अब इसे वॉश करके क्लीन कर देते हैं अच्छी तरीके से वॉश करके। मैंने कढ़ाई ले लिया है और इसमें मैंने अभी 1.5 टेबलस्पून ऑफ सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल का यूज कर सकते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है 1.5 चम्मच। अब इसमें जो मैंने कटे हुए वेजीज है वो डाल दूंगी, इसे थोड़ा सा फ्राई कर देंगे ऐसे तो ये काफी अच्छा टेस्ट आता है इसका। सारे मैंने मेरे परवल और जो आलू है इसे मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच हल्दी डालूंगी और नमक, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे। मैं बस 2-3 मिनट इसको लिड लगा के रख दूंगी, ये हल्के तरीके से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इसका, थोड़ा क्रिस्प लगेगा। मिनट हो गए हैं, अब देख लेते हैं इसको, ये आप देख, इतना बढ़िया तरीके से कलर आ गया इसका। इसे थोड़ा चला लेंगे, ये देखिए इस तरीके से ना ये कलर आ जाएगा ना तो फिर इसे निकाल लेंगे। इसे ओडिया में बोलते हैं पोटोड़ो, पोटोड़ तरकारी। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ये कलर, मैं इसे फिर निकाल दूंगी। अब मैं इसको लिड नहीं लगाऊंगी, अब ये पटेटो और जो मेरे आलू है बस इसे ऐसे ही थोड़ा सा क्रिस्प होने दे दूंगी, थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, बस गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे थोड़ा सा चला लूँगी। मसालों के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो बता देती हूँ मैं आपको। ये मैंने 2 छोटे प्याज ले लिए हैं, 2 हरी मिर्ची लिया हुआ है और 1 अदरक का टुकड़ा, एक छोटा ऐसा ये अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, इसे मैंने क्लीन करके ले लिया है, और गार्लिक लिया हुआ है, लहसुन, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और अपना कांदा। सकते हैं मैंने परवल और पटेटो को इस तरीके से मैंने फ्राई करके ले लिया है। आपको अगर ड्राई मसाला भी बनाना है ना तो इसको सिर्फ आपको वाटर को आप अवॉइड करेंगे तो ये ड्राई मसाला भाजी जब भी बनाएंगे इस भाजी का, ये सब्जी का, तो आप इस तरीके से उसे फ्राई करके जरूर लीजिएगा, ये गोल्डन ब्राउन ऐसा कलर आना चाहिए, टेस्ट में काफी यम होती है। कढ़ाई में मैंने अभी 2.5 टेबलस्पून मैंने तेल ले लिया है, अब इसे थोड़ा गरम होने देते हैं। मेरा ये गरम हो चुका है, तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ा जीरा डालते हैं, इसे क्रैकल होने दे देंगे। जीरा मेरा अच्छी तरीके से क्रैकल हो गया है, अब मैंने जो पेस्ट बनाया था अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली और उसका वो डालूंगी, इसे भी मिक्स कर लेंगे। मसालों की बढ़िया सी खुशबू आ रही है,
जैसे लग रहा है कि मैं मटन बना रही हूँ। अब ये से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अनियन का जो है सारा पानी जो है वो अब्सॉर्ब होने देना है हमें। मसाला जितनी अच्छी तरीके से भुने तो करी या फिर सब्जी में अच्छा खासा टेस्ट आता है। इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देती हूँ, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, एक थोड़ा सा और एक आधा चम्मच डाल दूँगी मैं। आप तीखानेस जो है तीखापन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा कोथमीर मैं अभी डाल दूँगी और थोड़ी कोथमीर मैं रखूँगी लास्ट में गार्निशिंग के लिए। ये देखिए मसाले अच्छी तरीके से भून रहे हैं। मेरा जो अभी तक मैंने सिर्फ अदरक लहसुन और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का जो मैंने पेस्ट डाला था वही अभी तक किया डाला हुआ है मैंने, और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाला है। अब मैं इसमें टमेटोज डाल दूंगी। ये गया टमेटोज इसके अंदर। मैंने इसे ऐसे छोटे छोटे चंक्स में क्यूब्स में काटा है, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं मेरे सारे सूखे मसाले जो है वो डाल दूंगी, एक आधा चम्मच पाव भाजी मसाला और एक आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। मैं जो कसूरी मेथी है मैं इसे हाथों में ऐसे क्रश कर दूंगी, क्रश करके इसे इसमें डाल दूंगी। बस एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल गया है इसमें, मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं मसाले जो है अच्छी तरीके से भून रहे हैं और मुझे मसालों की जो है वो स्मेल भी आ रही है, उसकी अरोमा भी आ रही है। अभी साइड साइड से जब ये तेल छोड़ना चालू कर देगा मैं इसमें मेरे सारे वेजीज डाल दूंगी। मसालों ने तेल छोड़ना चालू कर दिया है, अब मैं इसमें मेरे जो वेजीज है वो डाल दूंगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पानी रख लिया है गर्म होने के लिए, इसे थोड़ा गुनगुना पानी होने देते हैं। इसमें मैं ठंडा पानी नहीं डालूंगी, इसमें थोड़ा सा मैं गर्म पानी गर्म करके डालूंगी। अब इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि आप फ्राई करते समय आपने परवल में थोड़ा सा नमक डाला है। तो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, पानी मेरा गर्म हो गया है। अब इसे मैं डाल दूंगी, इसे मैं इतना थोड़ा सा डालूंगी और इसे पकने के लिए रख दूंगी, तो ये मेरा ड्राई मसाला भाजी हो जाएगा। ये देखिए अब इतना सही थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा पकने दे देंगे, आलू वालू थोड़ा पक जाएगा, फिर इसे आप ऐसे ही रख के इसका टू इन वन भाजी बन जाएगा। अगर आपको मसालेदार खाना है तो इसका पानी थोड़ा सा और यू नो अब्सॉर्ब हो जाए, तब तक इसे थोड़ा पका लेंगे लिड डाल के, तो ये अपना ड्राई सूखा मसाला भाजी हो जाएगा मसालेदार। और अगर आपको ग्रेवी करनी है तो थोड़ी और पानी डाल देंगे, हम गर्म पानी ही डालेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे आज करी बनानी है तो फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मुझे करी बनानी है तो फिर मैं पानी डाल दूंगी, मुझे जितना पानी चाहिए उतना डाल के। अब इसे लिड लगा के इसे पकने दे देते हैं। वगैरह तो सब बना ही लेते हैं, इस तरीके की भी भाजी काफी लोग तो बनाते ही होंगे, मेरे उड़िया फ्रेंड्स भी इस तरीके से बनाते होंगे पोटल तरकारी। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैंने उसे आपको बता दिया, और आप इस तरीके से भी जरूर बनाकर देखिएगा, काफी टेस्ट आता है इसका। और ज्यादा मसाले वगैरह भी नहीं, जो ये मसाले जो है ये नॉर्मली हम डेली भी खाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर किसी दिन लाइक नो सैटरडे संडे वीकेंड्स हो गया काफी मसालेदार खा लिया तो फिर नेक्स्ट डे हमको ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का कुछ खाया जाए, क्योंकि बॉडी है, बॉडी को हम सिर्फ ऐसे स्टफ नहीं कर सकते, सो वी हैव टू गिव आवर बॉडी सम रिलैक्सेशन आल्सो फॉर डाइजेशन पर्पस। जिस तरीके से हल्का फुल्का भी बनाकर आप खाएंगे तो भी ये बढ़िया टेस्ट देता है। इसे देख लेते हैं, ये अभी हो गया है, मुझे जितना ग्रेवी गाढ़ा रखना है मैंने रख दिया है। अब इसमें फाइनल टच कोरिएंडर लीव्स जो है वो डाल दूंगी। मेरे पोटैटोस भी जो है ये पक चुके हैं, पोटैटोस भी अच्छी तरीके से पक गए हैं, बस अब इसे निकाल लूंगी।